नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है भरवा टिंडे। टिंडे को हम कई तरह से बनाते हैं। इसको आलू के साथ बनाते हैं, आलू टमाटर रसे वाले बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ भरवा टिंडा, वो भी कुकर में स्टीम दे करके। इससे वो जल्दी से पक भी जाते हैं और हमारे टाइम की बचत होती है। तो देखते हैं इसमें लगने वाली सामग्री। तो उसके लिए मैंने आधा किलो टिंडे लिए है, जिसे धो करके छील करके इस तरह से खाली किया है। कुछ अलग तरीके से किया है मैंने, ऊपर का कवर हटाया नहीं है, वहीं से हल्का सा रखा है और उसमें बीच में से देखिए खाली कर दिया है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इसे बनाया है, खाली करा है। और इसके लिए मैंने 2 से 3 बड़े प्याज बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ बारीक काट ली है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक काट के रखा हुआ है, और 2 छोटे चम्मच मैंने गरम मसाला लिया हुआ है, और तड़के के लिए रिफाइंड ऑयल है। 2 छोटे चम्मच में हल्दी पाउडर डालूंगी। तड़के के लिए 2 छोटे चम्मच जीरा डालूंगी। 3 से 4 चम्मच में धनिया पाउडर डालूंगी, और स्वाद अनुसार या 3 से 4 छोटा चम्मच में मिर्च पाउडर डालूंगी। स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। और ये खसखस है जिसे भून के रखा हुआ है मैंने, तवे पे इसे 2 से 3 मिनट भून लिया है, और सूखे नारियल को कद्दूकस करके इसे भी भून के रखा हुआ है मैंने। इसे तवे पे लगभग 3 से 4 मिनट भून लिया है, और ये सब ठंडे हो चुके हैं। और ये भुनी हुई मूंगफली है और इसके छिलके निकाल लिए हैं। तो शुरू करते हैं भरवा टिंडा बनाना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने टिंडे को किस तरह से छील के बीच में से खाली किया है। भरवा टिंडा बनाने के लिए सबसे पहले टिंडे को ये देखिए, अच्छा सॉफ्ट और मीडियम साइज़ का ही टिंडा लें हमेशा, और ये गूदेदार होता है नरम वाला, और इस तरह से छील लेना है इसे। चाकू से आसानी से निकल जाता है रगड़ने से, इस तरह मैं छील दूंगी टिंडे को। देखिए मैंने टिंडे को छील लिया है, सभी तरफ से अच्छे से इसका छिलके निकाल दिए हैं। अब मैं इसे ऊपर से कट लगाऊंगी इस तरह से, थोड़ा सा हमें ये रख देना है। ये देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, पर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको इस तरह से नहीं बन रहा है तो आप बस ऊपर से कट लगाइए, और जिस तरह से हम कोई स्कूपर या आलू छीलने का उससे अंदर का गुदा हम निकाल सकते हैं। तो पहले हल्का सा कट लगाएंगे इस तरह से, ये भी आसानी से निकल जाता है, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए और ये अच्छा गूदेदार है, देखिए इसका गूदा भी निकालते जाऊंगी। हल्का सा ऐसे कट लगा देंगे पहले, और कोई छोटा चम्मच ले लें या उंगली डाल के भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए मेरे पास ये छोटा चम्मच है, जैसे चाकू से कट लगा दिया, और उसके बाद इसे बिल्कुल सावधानी से हल्के हाथों से निकाल दें, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये, और इस गूदे को भी ये देखिए बारीक बारीक बीज हैं इसमें, इसको भी मैं स्टफिंग में यूज़ करूँगी। ये देखिए सिर्फ हमें गूदा निकालना है, इसका साइड का ये जो ये हिस्सा है, ये भी जब पक जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, इसलिए हमें सिर्फ गूदा और ये छोटे छोटे बीज निकाल लेने हैं। ये देखिए हो गया खाली ये। इसी तरह से मैं दूसरा भी कर लूँगी। अगर आपको इस तरह से नहीं बनता है तो इसे अलग करिए और बीच में से खाली कर दीजिए। इस तरह से देखिए कट लगाना है बिल्कुल उसी तरीके से इसे, और इसे भी हमें पकड़ के रखना है इस तरह से, दोनों उंगलियों से ऐसे पकड़ के रखिए, कट लगाइए, आसानी से निकल जाता है। इसी तरह मैं इसे खाली कर देती हूँ। देखिए भरवा टिंडे बनाने के लिए टिंडे ही पूरे खाली हो चुके हैं, ये देखिए अच्छे से हो गया खाली। अब मैं इसमें भरने के लिए स्टफिंग तैयार करना है। उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, ऑयल गर्म होने देते हैं, तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। जीरा अच्छे से क्रैकल हो गया है, अब मैं इसमें लहसुन अदरक और प्याज डाल दूंगी। अदरक लहसुन और प्याज भी डाल दिया मैंने,
और ये जो टिंडे के अंदर से निकला था गूदा उसे भी बारीक बारीक सा काट लिया है और उसे भी डाल देती हूँ। साथ में अच्छे से फ्राई हो जाएगा, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसे हल्का ब्राउन कलर आते तक हमें भूनना है। उसके बाद इसमें मसाले डालने हैं। देखिए प्याज अच्छे से भून चुका है, मैं इसमें मसाले डालूंगी। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है प्याज का, लगभग 3 से 4 छोटा चम्मच। धनिया पाउडर डाल दूंगी, हल्दी पाउडर डाल दूंगी, मिर्च डाल दूंगी, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसे और 2 से 3 मिनट भून लेती हूँ मसाला डालने के बाद। देखिए प्याज में मसाले डाले थे, अच्छे से भून गए, लगभग 1 से 2 मिनट हो गया है। और इसमें मैं डालूंगी अब ये जो सूखा मसाला मैंने लिया था, खसखस, नारियल और मूंगफली, उसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। पहले ये सूखा नारियल जो कीस के भुना हुआ था वो डाल देती हूँ, भुना हुआ खसखस डाल दूंगी, मूंगफली डाल दूंगी और इसे ग्राइंड कर लूंगी। हल्का सा दरदरा रखेंगे हम इसे। देखिए इसे दरदरा पीस लिया है मैंने, खसखस, सूखा नारियल और मूंगफली। अब इसको ये भुने हुए प्याज के मसाले में डाल दूंगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब मैं इसमें नमक और गरम मसाला भी डाल दूंगी। और गरम मसाला पाउडर भी डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी और 2 मिनट इसे स्टीम दे दूंगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे ढक देती हूँ, 2 मिनट स्टीम दूंगी बस। 2 मिनट स्टीम दे दिया मैंने मसाले को, अब गैस ऑफ कर दूंगी। हमारे भरवा टिंडे की स्टफिंग तैयार हो गई है। इसे हल्का सा ठंडा होने देती हूँ और फिर इसे टिंडे में मैं भरूंगी। भरवा टिंडे की स्टफिंग थोड़ी ठंडी हो चुकी है, अब मैं इसे टिंडे में भर लूंगी। ये देखिए इस तरह से पकड़ूंगी इसे और अच्छे से दबा दूंगी इसे भर के। अच्छे से भर गई है। इसी तरह सभी टिंडों में मैं स्टफिंग भर दूंगी। एक और टिंडे में भर देती हूँ। दबा दबा के भरेंगे इसे। ये देखिए भर गया, इसे दबा देंगे। इसी तरह से सभी टिंडों में स्टफिंग भर देती हूँ। देखिए सभी टिंडों में मैंने मसाला भर दिया है और अच्छे से दबा दिया है इनको, अच्छे ऊपर तक भर दिया है। और एक मैंने ऊपर से कट करके इस तरह से भरा हुआ है। अब इन्हें हमें पकाना है, तो इसे हम कढ़ाई में भी तेल डाल के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्टीम दे के कुकर में पका रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कुकर रख दिया है गैस पर, गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, और इसे फैला लूंगी। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और इसमें ये मसाला भी डाल दूंगी बचा हुआ, और इसमें मैं पानी डालूंगी जिससे हल्की सी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। देखिए मैंने पानी डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, हल्की से ग्रेवी भी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें टिंडे रख दूंगी। और 2 सीटी लगा के हमें इसे पका लेना है, 2 सीटी में आराम से पक जाएगा ये। ये कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। भरवा टिंडे को मैंने 2 सीटी लगा के पका लिया है।
स्टीम पूरी तरह से निकल चुकी है। देखिए अब मैं इसका ढक्कन हटाऊंगी। वाह देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं ये टिंडे, और बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी भी दिख रही है। हमने ज़्यादा तेल का यूज़ भी नहीं किया था, फिर भी मसाला अच्छे से पक गया है। और ये देखिए तेल बाहर आ गया है। ये देखिए 2 सीटी में अच्छे से पक भी चुके हैं टिंडे, बहुत ही सॉफ्ट ये देखिए दब रहे हैं, और मैंने इसे चाकू से देख भी लिया है, देखिए कट रहे हैं। अगर टिंडे कड़क होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लगभग 2 सीटी लगा के थोड़ी देर और रख सकते हैं अगर नहीं पक रहे हैं तो। ये देखिए अब खाने के लिए तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म भरवा टिंडे तैयार है खाने के लिए, जिसे आप रोटी पराठा नान के साथ तो खा ही सकते हैं, और ग्रेवी के साथ चावल भी खा सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी भरवा टिंडे तैयार हुए हैं, और मैंने इसे कुकर में पकाया है स्टीम दे करके, तो इसमें टाइम की बचत तो होती है। और देखिए बिना मसाला गिरे ये अच्छे से भरे हुए ही पके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे मसाला मैंने भरा था बिल्कुल अंदर वैसे के वैसे भरा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं बाहर आया है ये। और इसका जो मैंने ये ऊपर कवर रखा था बिल्कुल वो निकला भी नहीं है, और बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, और जल्दी से तैयार भी हो जाती है ये रेसिपी। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, और कमेंट करके भी बताना ना भूलें कि भरवा टिंडे आपको कैसे लगे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।